नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा के संबंध में। जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा को एक सफल यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। और यहाँ पर रोचक बात यह है कि साल 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर थे। हाँ, दोनों देशों के नेताओं ने आपसी बातचीत की और अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए रणनीतिक साझेदारी पर दोनों देशों के नेताओं ने जोर दिया। दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय जो वार्ता की उसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो प्रमुख क्षेत्र हैं व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, साथ ही लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाना। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा के आखिर आउटकम्स क्या थे या क्या परिणाम निकलकर सामने आए। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि दोनों देश अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने कई समझौते पर हस्ताक्षर किए जिनमें एक प्रमुख समझौता है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करना, क्योंकि यह दोनों देशों की रुचि का एक प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि दोनों देश जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव हैं उसको कम करने में दोनों देश अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि भारत एशिया में मिस्र का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार में $10 अरब का लक्ष्य रखा है। उसके साथ ही साथ दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत मिस्र को सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है और दोनों देश मिस्र में एक नए नौसैनिक अड्डे के निर्माण सहित कई परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के बीच संबंध बढ़ाने पर भी काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसमें क्या किया जाएगा कि भारत और मिस्र के बीच उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के बढ़ावा देने को भी शामिल किया जाएगा। हाँ, इसी दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि किसी भी इस तरह के राजकीय सम्मान को जो मोदी ने प्राप्त किया उसकी संख्या 13 तक पहुंच गई है। क्या है ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान? तो यह मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिसकी शुरुआत साल 1915 में की गई थी और इस सम्मान को देने की शुरुआत उस समय के सुल्तान हुसैन ने की थी। लेकिन जब इस पुरस्कार या सम्मान की शुरुआत की गई थी तो यह सम्मान केवल उन लोगों को दिया जाता था जिन लोगों के द्वारा देश की सेवा में अपना विशेष योगदान होता था, मतलब जो मिस्र की सेवा में अपना विशेष योगदान देते थे। फिर आगे इसका विकास यह हुआ कि साल 1953 में जब मिस्र में राजशाही का दौर समाप्त हो गया तो ऑर्डर ऑफ द नाइल को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान के रूप में मान्यता दे दी गई और फिर इसका विस्तार किया गया और वर्तमान में यह पुरस्कार उन विदेशी नेताओं को भी दिया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता की सेवा के लिए अच्छा काम किया हो। कैसा दिखता है ऑर्डर ऑफ द नाइल? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान सोने के कॉलर जैसा दिखाई देता है। इसमें 3 वर्गाकार सोने की यूनिट होती है। इन सोने की यूनिट्स पर फेरोनिक प्रतीक बने हुए होते हैं। इसके आखिर में कॉलर से लटका हुआ हेक्सागोनल पेंडेंट है। इस पेंडेंट को फेरोनिक शैली के फूलों, फिरोजा और रूबी रत्नों से सजाया जाता है। अब मिस्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह ऑर्डर ऑफ द नाइल? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लगाई गई सोने की पहली यूनिट देश को बुराइयों से बचाने के विचार का प्रतीक है। वहीं अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें तो सोने की यह दूसरी यूनिट नाइल नदी की तरफ से लाई जाने वाली समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। वहीं तीसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो सोने की यह तीसरी यूनिट धन और सहन शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा अगर पेंडेंट की हम बात करें तो पेंडेंट पर उत्तर और दक्षिण को एक साथ लाने का प्रतीक भी उभरा हुआ दिखाया गया है। नील नदी, नील नदी का क्या योगदान है मिस्र को लेकर? तो अगर हम मिस्र की भौगोलिक स्थिति को देखें तो सबसे पहली बात तो यह कि मिस्र विश्व की आदि सभ्यताओं में से एक है और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख विकासशील देश है। साथ ही साथ मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहे जाने के कुछ प्रमुख कारण हैं। जैसे देखिए, जैसा कि हमने क्या देखा कि अगर मिस्र की भौगोलिक स्थिति हम देखें तो अधिकतर भाग मरुस्थलीय एवं पठारी हैं
जो कृषि एवं मानव विकास के प्रतिकूल है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वह किसके कारण? नील नदी के कारण। क्यों? क्योंकि नील नदी ने कृषि सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और नील नदी ही कृषि सिंचाई का एकमात्र साधन है मिस्र में। साथ ही साथ नील नदी मिस्र के लगभग मध्य से होकर बहती है, अतः नील नदी पर अनेक बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार नील नदी मिस्र को जल विद्युत की भी सुविधा प्रदान करता है। नील नदी सदा नीरा है, मतलब यह साल भर बनी रहती है, साल भर यह गतिशील रहती है, इसमें पानी की कमी नहीं रहती है, इसलिए यह परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार नील नदी मिस्र की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, जो उचित ही है। नील नदी की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो देखिए आप स्क्रीन पर जहां पर मैप बना हुआ है, तो वहां हम देख रहे हैं कि विश्व की सबसे लंबी नील की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों के कई दावे हैं, और एक नया दावा यह कहता है कि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि नील नदी कितनी पुरानी है, तो उसके हिसाब से यह 6 गुना पुरानी भी हो सकती है। एक नए अध्ययन के अनुसार इसकी उत्पत्ति कम से कम 30 मिलियन, जो 3 करोड़ वर्ष है, से भी पहले हुई थी। नील नदी के अगर हम उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके बहाव क्षेत्र तक की बात करें, तो नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतरती है। कर्क रेखा के आसपास के वर्षावनों से होते हुए यह नदी जिन देशों से होकर गुजरती है, वो देश हैं युगांडा, इथियोपिया, सूडान और मिस्र, और इस प्रकार इन देशों से बहते हुए यह काफी लंबी घाटी बनाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र यात्रा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उस पर हमने चर्चा की। उसके साथ ही साथ नील नदी की भौगोलिक और सांस्कृतिक हमने उससे संबंधित तथ्य को भी देखा। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।